तो हम वो बोले गिफ्ट वग़ैरह पैक करेंगे ये जो मेरी नाइस है ना मानो ये उसके लिए मैंने डॉल हाउस लिया था तो मैं इसको अच्छे से पैक कर दूंगी क्योंकि पिंक था तो जब मैं इसके लिए ये रैपिंग पेपर लेने गई थी तो मैंने कहा और थोड़ा सा पिंक ही होना चाहिए और मुझे गिफ्ट पैक किए हुए आलमोस्ट इतने ज़्यादा ईयर्स हो गए थे मुझे लगता है कि मैंने स्कूल लाइफ में कोई गिफ्ट पैक किया होगा उसके बाद तो मैंने कभी गिफ्ट पैक ही नहीं किया मोस्टली बाहर से ही करवा लेते हैं या फिर कभी मैंने ऐसे ही दे देते हैं ज़्यादा भीड़ ही दे देती हूँ तो ये वाला गिफ्ट मैंने था कि मैं खुद पैक करती हूँ उसके लिए तो पहले तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कैसे करना है मैंने वो वाले आ, क्लिप्स जो हैं वो क्रॉप कर दिए थे बीच में से क्योंकि मुझे समझ ही नहीं थी आ रही कैसे पैक करना है कैसे नहीं करना पिंक बस मैं एक ही लेके आई थी तो फिर मैंने बस उसको मैंने कहा बैक साइड से तो नज़र आ जाए चलो फ्रंट से तो नहीं आएगा ना तो फिर उस तरह करके मैंने इसको पैक कर लिया पहले मैंने सोचा था कि सब बच्चों के जो गिफ्ट्स हैं ना उनको पैक कर लूंगी क्योंकि बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं जब उनको आप कोई चीज़ पैक करके देते हो ना तो पहले मैंने यही सोचा था कि सारे जो गिफ्ट्स हैं ना उनको कर लू मगर बाद में अभी मैंने एक पैक किया उसके बाद दूसरा कोई पूरा आ रहा था कोई नहीं था आ रहा तो फिर मेरा अजीब सा मूड हो गया मैंने कहा यार जितना हुआ है ना बस उतना ही ठीक है बस मेरे दो मैंने पैक किए थे एक मानो का पिक किया था और साथ में एक येलो सा छोटा सा था जिसके अंदर उम, क्या था आइसक्रीम रेजर्स थे वो पैक कर लिया था बिकॉज वो छोटू सा था तो वो जल्दी जल्दी हो गया था तो मैंने बस ये दो कर लिए थे बाकी मैंने ऐसे ही दे दिए थे बच्चों को और इसके साथ मैंने पिंक रिबन लिया था और जो येलोइश था ना उसके साथ मैंने वाइट रिबन लिया हुआ था बट मैंने उसके ऊपर फिर रिबन नहीं लगाया क्योंकि उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो फिर मैं बस इसी तरह जो पैक शॉपिंग बैग था जैसे चीज़ें पड़ी हुई थी मैं ऐसे ही बस ले कर चली गई थी मैंने उसके बाद गफ्ट को छेड़ा ही नहीं था और ऐसे ही जाकर बच्चों को दे दिया था क्योंकि मैं बहुत जल्दी भी हॉस्टल से निकली थी उस टाइम पर तो ये बस इतना प्यारा लग रहा था ना ये रिबन लगाने के बाद इतना क्यूट सा लग रहा था मुझे तो ये वाला जो था पहले मैंने सोचा इसके अंदर बैग रख लेते हैं बाद में वो बैग भी अच्छा नहीं लगा फिर मैंने सोचा कि इसके अंदर ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह रख लेते हैं ये भी मुझे अच्छा नहीं लगा एट द एंड फिर वो जो छोटू क्यूट था आइसक्रीम रेजर्स थे ना फिर मैंने यही पैक कर लिए थे और यही दो मुझसे पैक हुए थे बिकॉज इसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला पैक करने का और बाकी ये रैपिंग पेपर्स वग़ैरह ये सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था इवन के मैंने इसके ऊपर रिबन भी नहीं लगाया रिबन भी पड़ा हुआ था जब आप बच्चों के टॉयस की शॉपिंग करते हो ना आपको कुछ समझ नहीं आती आप क्या लो आप क्या ना लो मैंने इतनी चीज़ें निकाल के कार्ट में ऐड की फिर मैंने दोबारा उनको डिस्कार्ड किया इतना इतनी बार मैं इतनी कन्फ्यूज़ थी इनके लिए चीज़ें लेते हुए बट एट दुक्र इन लोगों को पसंद आ गई थी और मैंने एक लिए रैकेट शटर भी लिए उसने तो उसी दिन मेरे ख्याल से तोड़ भी दिए <laughs> उसके बाद मैंने एक ट्राउजर मंगवाया हुआ था डैनिम सिक्स से तो आई थिंक यही नेम था ब्रांड का तो इनका ट्राउजर मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकी दो तीन वीडियोस देखी थी टिकट पे मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था तो मैंने सोचा कि यार मंगवा के देख लेती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के फ्लैपर वाले खुले खुले जो ट्राउजर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं वो भी पॉकेट्स वाले तो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगा एंड ये इतने कम्फर्टेबल हैं पहनने में और है भी इनका स्टफ़ भी काफ़ी वुलंद वुलंद सा मोटा सा स्टफ़ है इसका और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे ये वाले और उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप भी ऐड की बिकॉज मेरी तबीयत लास्ट दिनों बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैंने पहले के लिए सिरप मंगवाए इतने मैंने सिरप पिए मैंने लाइफ में कभी इतनी मेडिसिन नहीं खाई जितनी मैंने लास्ट डेज में मेडिसिन खाई है दिन में दो दो तीन तीन बार इतनी ज़्यादा पिल्स कैप्सूल्स और इसके बाद सिरप्स वगैरह और इतनी ज़्यादा मुझे डिहाइड्रेशन हो जाती है जब मैं बीमार होती हूँ उसके बाद मैंने सूप वगैरह मंगवाया थोड़ी क्रीम चाट वगैरह मंगवाई क्योंकि मैंने दो दिन से कुछ भी नहीं था खाया तो मैंने कहा कुछ खा ही लेती हूँ साथ में मैंने एक रैप भी मंगवाया बट मुझसे कुछ भी नहीं था खाया गया और सारा कुछ ऐसे ही खराब हो गया सूप मैंने थोड़ा सा तीन चार सिप लिए थे सूप के मैंने अपनी तरफ से थाए सूप मंगवाया मगर आई डोंट नो कि ये कोक एंड बुल आई थिंक हमेशा से ख़राब रहते हैं लाइक मैंने दो तीन बार इनसे चीज़ें ऑर्डर की हैं और खाई हैं लाइक इनका टेस्ट जीरो है बट फिर भी पता नहीं रात टाइम को यही खुला हुआ था तो मुझे बस यही ऑर्डर करना पड़ा था यहीं से क्योंकि सूप वगैरह और ये फ्रूट सेलेट वगैरह इन्हीं के पास अवेलेबल थे तो मुझे बस मजबूरी के तौर पर इनसे मंगवाना पड़ा और इतना गंदा टेस्ट था ना बट फिर भी मैंने दो तीन सिप्स ले लिए थे सूप के भी और एक दो बाइट रैप की ले ली थी और जो क्रीम सेलड था उसकी भी एक बाइट आई थिंक ली थी बाकी सारा कुछ ख़राब ही हो गया था मैंने कुछ भी नहीं बाद में ये सारा कुछ खाया पिया फिर बस मेरी तबीयत खराब थी तो मैं घर ही आ गई थी और तब तब से अब तक मैं घर में ही हूँ तो उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी दिन बाद ठीक हुई तो फिर मैंने सोचा कि घर वालों के लिए स्मोकी चिकन बना लेती हूँ तो अम्मी वगैरह भी घर पे नहीं थी तो मैंने सोचा कि उनके आने से पहले आज मैं चिकन बना लेती हूँ तो बस मैंने अनियंस वगैरह को चॉप किया एंड उसके बाद एक टमाटो वग़ैरह चॉप किया और ग्रीन चिली वगैरह चॉप की और बाकी हाफ अनियन और वन टमेटो और दो तीन जो थे वो ग्रीन चिलीज़ और वो जो गार्लिक होता है लहसन होता है गार्लिक आई थिंक लहसन ही होता है गार्लिक एंड जो जिंजर था उस सारा का पेस्ट बना के भी साइड पे रख लिया था और ये चॉप वाले में बस मैंने ये चीज़ें ली थी और उसके बाद जो चिकन था ना मुझे नहीं था पता मेरे मुझसे बस ये मिस्टेक होगी चिकन फ्रीज था और मैंने उसको ना डिफ्रोज ही नहीं किया और जब मैंने उसको अनियंस वगैरह में डाला मुझे लगता है कि कोई ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगे उसको लाइक डिफ्रोस्ट होने में अनियंस के साथ और मेरे अनियंस भी डार्क ब्राउन हो गए सारा कुछ ब्राउन ब्राउन हो गया चिकन भी इतना डार्क ब्राउन हो गया तो मुझे पता ही नहीं था कि लाइक पहले उसको डीप रोस्ट कर लेती हूँ फिर जब वो सारा अलहदा आहदा हो जाएगा तो फिर उसको अंदर ऐड करूँगी मगर इसकी वजह से थोड़ा सा कलर डार्क हो गया था मेरे चिकन का बट टेस्ट वॉज़ रियली अमेजिंग तो मैं इसलिए पहले ही बता रही हूँ कि उसके कलर पर नहीं जाना बिकॉज टेस्ट बहुत मज़े का था उसका खैर उसके बाद मैंने ऑयल डाला और उसके अंदर अनियन वगैरह को फ्राई किया और उसके अंदर मैंने आ, क्या होते हैं वो जो पत्ते होते हैं बे लीव्स होते हैं आई थिंक बे लीव्स दो तीन डाले ज़ीरा जो था वो वो डाला और उसको बस फ्राई कर लिया अच्छे से अनियंस के साथ अनियंस के साथ उनको अच्छे से फ्राई करने के बाद थो थोड़ा सा लाइट कलर आ गया था तो उसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया था और वो मैं स्टोरी पहले ही सुना चुकी हूँ चिकन वाली बिकॉज़ वो जो था सारा कुछ अजीब अजीब हो गया था तो उसके बाद बस चिकन वगैरह ऐड कर दिया मोस्टली जब चिकन वगैरह डालते हैं ना अनियंस के साथ तो सॉल्ट वगैरह भी डाल लेते हैं एक तो वो जल्दी गल भी जाता है और दूसरा उसके अंदर स्मेल वगैरह भी नहीं आती बट यहाँ पर मुझे कुछ भी समझ नहीं था आ रहा बिकॉज़ वो फ्रीज था तो उसके अंदर फिर मुझे मैं उसी को डीफ्रोस्ट करती रही और सॉल्ट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया तो बस मैं उसी का पहले कभी उसको साइड पे कर रही हूँ कभी ऊपर कर रही हूँ कभी नीचे तो उसका कलर डार्क हुई जा रहा है और 20 मिनट्स के बाद जब वो सारा डिफ्रोस्ट हुआ वो बेशक बाहर वाली जो लेयर्स थी ना वो ब्राउन हो चुकी थी बट अंदर से वो फिर भी थोड़ा फ्रीजी फ्रीजी था तो ये इतना डार्क सा कलर हो गया था उसके बाद मैंने वो टमाटो एंड ग्रीन चिल्ली वगैरह और लहसन वगैरह सारे का पेस्ट वगैरह भी ऐड कर दिया था बीच में ऐड करने के बाद बस मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि थोड़ा सा वो अच्छे से फ्राई हो जाए चिकन के साथ और साथ में उसके बाद तो स्पाइसीज़ में मैंने कुछ भी खास नहीं डाला स्पाइसिस में बस मैंने सॉल्ट रेड पेपर और हल्दी वाला पाउडर और वो जो होता है सूखे धनिए का पाउडर बस ये तीन चार चीज़ें डाली थी इसके अलावा मैंने कोई भी स्पाइसेस वगैरह कोई मसाला एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला बस यही चार स्पाइसेस वगैरह डाल के इसको अच्छे से कर लिया और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो ग्रीन चिलीज़ होते हैं ना जो लाइक विदाउट कटिंग होते हैं वो ही दो डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टेक्सचर आ जाए क्योंकि जब इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सालन के अंदर जो थोड़ी सी ग्रीनरी ग्रीनरी होती है और एंड पे थोड़ा मैंने इसको स्मोक दे दिया था कोल के साथ और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक की सा फ्लेवर आया था एंड होप यू लाइक दिस रेसिपी एंड ऑल्सो द व्लॉग एंड फॉर नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गुड बाय बाय